जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण अंतर्गत ग्राम श्रीनगर आलमपुरा सहित राधापुर में हुआ शिविरों का आयोजन। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने ग्राम श्रीनगर आलमपुरा व राधापुर वासियों को शासन की जनकल्याणकारी योजना के तहत पात्रता के आधार पर किया लाभान्वित। ग्राम पंचायत श्रीनगर में 4 लाख रुपए की लागत से निर्मित मुख्य प्रवेश द्वार का टीकमगढ़ विधायक सहित जनप्रतिनिधियों ने किया लोकार्पण। टीकमगढ़ भारत सरकार व राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022 तक मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विधानसभा क्षेत्र टीकमगढ़ के ग्राम श्रीनगर आलमपुरा सहित राधापुर में शिविरों का आयोजन किया गया है। विधायक राकेश गिरी द्वारा ग्राम पंचायत श्रीनगर में 4 लाख रुपए की लागत राशि से निर्मित ग्राम के मुख्य प्रवेश द्वार का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इस दौरान विधायक राकेश गिरी ने उपस्थित ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का उद्देश्य है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे। स्कूल की बाउंड्री वॉल तथा टॉयलेट निर्माण एवं पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु 1-1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इस अभियान के माध्यम से आपको सरकारी दफ्तरों में भटकने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक पंचायत में 31 अक्टूबर तक यह शिविर लगाए जा रहे हैं, जहाँ आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और यदि किसी दस्तावेज कार्यवाही के अभाव में पात्र हितग्राही को प्रथम शिविर में लाभ नहीं मिल पाता है तो उन्हें 12 अक्टूबर से शुरू हुए द्वितीय शिविर में अनिवार्य रूप से लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत व वार्डो में डोर टू डोर सर्वे कराकर डाटा संकलित किया जा रहा है। शिविर के दौरान विधायक राकेश गिरी ने ग्रामवासियों की अन्य समस्याओं को भी सुना। इस अवसर पर SDM CP पटेल, जनपद पंचायत CEO संजीव गोस्वामी, तहसीलदार RP तिवारी, विकास यादव, पंकज प्रजापति, प्रदीप जैन, सचिव शंकर यादव, रोजगार सहायक जमुना, आदिवासी सरपंच बेनीबाई, सुमन अहिरवार, सचिव अरविंद घोष, रोजगार सहायक सीमा अहिरवार, अक्षय नगाई, रमेश पाल सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी गण तथा ग्राम पंचायत वासी जन मौजूद रहे। जगन न्यूज 24 टीकमगढ़ से कमल राजपूत की खास। इन सब में आपके गांव में 2 करोड़ की नल जल योजना पानी की स्वीकृत हो गई और हीरानगर घाटी की भी 3-3 करोड़ की नल जल योजनाएं स्वीकृत हो गई है। पहले से भी काम चल रहा है और नई स्वीकृत हो गई है। 1 साल के अंदर बड़ी घाट का जैसा पानी टीकमगढ़ की जनता पीती है, ऐसा ही पानी बांध सोजारा से बहुत बड़ा फिल्टर प्लांट का काम वहां शुरू हो गया है। वहां एक फिल्टर बनेगा, वहां से लाइन बिछेगी, आपके गांव में टंकी बनेगी, यहां दुनातर में भी टंकी बनेगी, अमरपुर में बनेगी और आलमपुरा में भी बनेगी, हर गांव में एक टंकी बनेगी। जनता के बीच जाकर हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, सरकार की योजनाएं है, जिन योजनाओं के बारे में हमारे CEO साहब ने आप सबको विस्तृत रूप से बताया है, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप सबके फार्म यहाँ भरे जा रहे हैं और सचिव सरपंच रोजगार सहायक कल से प्रत्येक घर घर जाएंगे, जिनकी जिम्मेदारी है, और प्रत्येक हितग्राही से पूछेंगे कितनी